मैं आज मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा यूनिट एंड मेजरमेंट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत ही नेसेसरी है क्योंकि विदाउट यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत ही थिंग्स पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग शॉप पे जाते हैं, भैया दे दीजिए चीनी, दे दीजिए आप लोग चीनी आपने मांगी, तो पूछे शॉप कीपर बोलता है हाउ मच, कितनी चाहिए, तो आप लोग बोलते भैया 1 kg 2 kg 3 kg, ये नहीं चीनी दे दी, चीनी क्या 2 दाने 3 दाने 4 दाने, यानी नेसेसरी है ये जो यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है हम लोगों के लिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटी विच कैन मेजर बाई एन इंस्ट्रूमेंट, यानी ऐसी क्वांटिटी जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और जो फिजिक्स के लॉ को, फिजिकल वर्ल्ड के लॉ को डिस्क्राइब करती है उसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐसे भी लगते हैं जो मॉडर्न आ गया, मॉडर्न हम लोग किसी भी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, कैसे लिख देते हैं पी क्यू, यानी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहाँ पे द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड विच डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, यानी ऐसी क्वांटिटी जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं और वो फिजिकल वर्ल्ड को डिस्क्राइब करते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अलग अलग क्वांटिटी होंगे तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सबके करें मेजर करेंगे। ठीक, वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू होता है एन इंटू यू, वेयर एन आपका होता है न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और यू आपकी होती है यूनिट, क्या होती यूनिट। फॉर एग्जांपल बात करते हैं हम लोग 40 kg, ये 40 जो होगी ये आपकी होगी न्यूमेरिकल वैल्यू और यू क्या होगी यूनिट, यानी क्या केजी, यानी 40 kg ये क्या हो गई आपकी क्वांटिटी हो गई, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, क्या कौन सी मास। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, तो बात करेंगे क्वांटिटी की। तो क्वांटिटी जो होती है आपकी थ्री टाइप की होती है, एक होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी आपकी होती है डायरेक्ट क्वांटिटी और तीसरी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, किसकी बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी में थ्री टाइप्स की होती है, पहली फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी डायरेक्ट क्वांटिटी, तीसरी होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी की, किसकी बात करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, पहली आप कौन सी आ गई फंडामेंटल, जो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ये क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है, यानी किसी पे डिपेंड नहीं करती है, तो हम बोलेंगे द क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी ऐसी क्वांटिटी जो किसी पे भी डिपेंड नहीं करती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती है। जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो 7 टाइप की होती, कितनी होती है आपकी 7, कितनी होती है 7। 7 कौन कौन सी होती है, पहले आपके होगी लेंथ, दूसरे आपका होगा मास, तीसरा आपका होगा टाइम, चौथा आपका होगा टेम्परेचर, पांचवा आपका होगा इलेक्ट्रिक करंट, छठा आपका होगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और सातवां जो आपको होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक, आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, और कौन सी होती है, पहली लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम, चौथा टेम्परेचर, पांचवा इलेक्ट्रिक करंट, छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और सातवां ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और
इन सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट्स होंगी उनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। जरा यूनिट क्या होती है, लेंथ की यूनिट आपकी क्या होती है, मीटर। क्या होती है, मीटर, जिसका सिंबल क्या होता है, सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। मास की यूनिट क्या होती है आपकी, केजी। टाइम की यूनिट क्या होती, सेकेंड। ये जो यूनिट है फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उनको हम लोग फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। टेम्परेचर यूनिट क्या होती, केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होती है, मोल। और ल्यूमिनल इंटेंसिटी क्या होती है, कैंडेला। क्या होती है, कैंडेला। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। फिर से बात समझ लीजिए, फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, यानी जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। अब हम लोग बात करेंगे ड्राइव क्वांटिटी। किसकी बात करेंगे, दूसरी आपकी ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करे, the quantity which depend on fundamental quantity, यानी direct quantity जो होती है ये depend करती है fundamental quantity पे, तो उनको क्या बोलेंगे लोग, direct। the direct quantities are those quantity which are depend on fundamental quantity known as direct quantity। समझाते हैं, जैसे हमने ले लिया area, area कुल क्या होता है, length into ब्रिथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। ब्रिथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। मीटर इंटू क्या, मीटर क्या हो, मीटर स्क्वायर। यानी लेंथ आपकी कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रिथ। और लेंथ आपकी कौन क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी लेंथ डिपेंड करेगी ब्रिथ पे और ब्रिथ डिपेंड करेगी लेंथ पे। यानी मीटर इंटू मीटर इक्वल क्या है, मीटर स्क्वायर। यानी ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं उनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट क्वांटिटी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे बात करें डेंसिटी पे। डेंसिटी इक्वल क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होती, केजी। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। जरा ध्यान देखिए, केजी आपकी किसकी यूनिट होती है, मास की। और मास आपकी कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी। वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रिथ इंटू हाइट। सबकी यूनिट क्या होगी, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी मीटर क्यूब। यानी केजी और मीटर दोनों आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी जो डायरेक्ट क्वांटिटी है फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच आर डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी नोन एज डायरेक्ट क्वांटिटी। आगे बात करते हैं हम लोग, अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो होती है आपके दो होती है, एक होता है आपका एंगल और दूसरा होता है आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, हमने बात की सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कितनी है, दो, एक होता है एंगल दूसरा होता है सॉलिड एंगल। जो एंगल होती है उसकी यूनिट होती है आपकी रेडियन। क्या होती, रेडियन। और सॉलिड एंगल क्या होती है, स्टेट रेडियन। रेडियन क्या होती है, स्टेट रेडियन। ठीक है, बात करते हैं एंगल की। दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं या जहां पे मीट करती हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। ये आपका एंगल हो गया अल्फा। ठीक है, दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करें या जहां पे मीट करें जो उनके बीच में कुछ इंक्लाइनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं लोग, एंगल। क्या बोलते हैं, एंगल। बात करेंगे सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल जो होता है ये आपका थ्री डायमेंशनल फिगर हो गया। क्या हो गया, थ्री डायमेंशनल। जैसे स्पेयर हो गया, स्पेयर आपका क्या होता है, थ्री डायमेंशनल फिगर। तो थ्री डायमेंशनल फिगर हो गया तो इसमें क्या बात करेंगे हम लोग,
जैसे ये कोई स्पेयर है और स्पेयर का इतना सा पार्ट हमने ले लिया, ये जो इतना सा पार्ट है यहां पे जो एंगल बना रहा है सेंटर पे स्पेयर का, ये थ्री डायमेंशनल फिगर है, स्पेयर का छोटा सा पार्ट जो सेंटर पे एंगल बनाएगा उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल के जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, और जो एंगल की यूनिट होती है वो होती है रेडियन। ये आपकी क्वांटिटी की बात हो गई। बात करें हम लोग सिस्टम पर, जो सिस्टम आपका होता है वो थ्री टाइप का होता है, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। जो एमकेएस सिस्टम के अंदर जब हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जैसे हमने लेंथ को मेजर किया, किसको मेजर किया, लेंथ को, तो मेजर करेंगे किसमें, मीटर में, किसमें मेजर करेंगे, मीटर में, यानी एम मीन होता है आपका मीटर, ठीक है। मास को जो हम मेजर करेंगे एमकेएस सिस्टम में, मेजर करेंगे किलोग्राम, यानी के मीन होता है किलोग्राम, और टाइम को जो मेजर करेंगे वो मेजर करेंगे हम लोग सेकेंड में। तो एमकेएस सिस्टम के अंदर हम अगर लेंथ को मेजर करेंगे तो करेंगे मीटर में, मास को करेंगे केजी में, टाइम करेंगे सेकेंड में। सीजीएस सिस्टम में मेजर करेंगे हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर में, सी मीन सेंटीमीटर, जी मीन आपका हो गया ग्राम, और एस मीन हो गया सेकेंड, यानी टाइम को हम मेजर करेंगे सेकेंड में। एफ मीन हो गया आपका फुट, पी मीन हो गया आपका पाउंड, और एस मीन हो गया सेकेंड। यानी एफपीएस सिस्टम में डिस्टेंस, मास और टाइम को फुट, पाउंड और सेकेंड में मेजर करेंगे। तो ये सिस्टम बहुत नेसेसरी है हमें, जैसे किसी भी यूनिट को मेजर करना होता है तो बोला जाए उसकी एमकेएस सिस्टम में उसकी यूनिट क्या होगी तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग बताएंगे, सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होगी हम इनके अकॉर्डिंग बताएंगे, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड में, और एफपीएस में किसमें बताएंगे, फुट पाउंड और सेकेंड। आपका इंटरनेशनल सिस्टम भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम, वो हम आगे बात करेंगे, जरा इसकी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बताया गया है आपको, इसे बोला गया कन्वर्ट 1 kg पर मीटर क्यूब इन सीजीएस सिस्टम, यानी 1 kg पर मीटर क्यूब को सीजीएस सिस्टम में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, करेंगे 1 kg पर सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्ट करते हैं। यहां ध्यान से देखिएगा, सीजीएस में जो आपका मास होता है किसमें होता है, ग्राम में, और यहां मास किसमें दे रखा है आपका, केजी में, तो जहां पे 1 kg है वहां कितना आएगा, 1000 ग्राम। सीजीएस में जो डिस्टेंस है उसको मेजर करते हैं हम लोग सेंटीमीटर में, और यहां पे डिस्टेंस किसमें, मीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर करना है तो आप मीटर क्यूब है तो क्या होगा, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, थीटा होगा क्योंकि यहाँ मीटर क्यूब, तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 ग्राम, नीचे आएगा 1, 2, 3, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10^-3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार हम एमकेएस सिस्टम को सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए सिस्टम जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका स्टार्ट होगा वो होगा डायमेंशंस, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।